हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और इसी के साथ एंजॉयमेंट चल रहा है। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम का सीजन बिल्कुल जोरों शोरों से आ चुका है। एग्जाम आप सभी के जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और उसी के लिए अपन रिविजन की क्लास में आ चुके हैं। मैनेजर इकोनॉमिक्स का रिविजन कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से स्वागत कर रहा हूँ। यदि आप MBA, BBA, BCOM, BTech, हाँ BTech में भी एमेंजल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है और UGC NET की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन बेसिक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैनेजर इकोनॉमिक्स के नाम पर कुछ भी ना पता हो तो भी यकीन देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक यूनिट फर्स्ट में से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसका जवाब जरूर दे देंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा होगा, आपको शुरू में ही बोल रहा हूं ताकि वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन क्लास है फिर भी लंबी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है कि बेसिक कंसेप्ट, चलिए एंड का वर्ड आगे का आ गया है, बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है मैनेजर इकोनॉमिक्स का, पहले बुकिश देख लेते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल है जो आपको समझ में आएगा वो भी मैं बता देता हूं। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, वेलफेयर ओवर टाइम एंड ग्रेट वेराइटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इशू विद द वाइटल कंसर्न ऑफ द सोसाइटी। ये बुकिश है सर, समझ में बिल्कुल नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। हाँ, सबसे पहले मैनेजर इकोनॉमिक्स जानने से पहले हमें कुछ वर्ड सीखने होंगे। मैनेजर इकोनॉमिक्स तो तीसरा पढ़ाव है, ठीक है, बुक के अंदर डायरेक्ट मैनेजर इकोनॉमिक्स दे दिया, लेकिन मैनेजर इकोनॉमिक्स से पहले सीखने से पहले हमें सीखना होगा कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, फिर इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आपका मैनेजर इकोनॉमिक्स वर्ड आता है। तो तीन पड़ाव है। स्टेज वन पे बच्चे को क्या सीखना है, इकोनॉमी किसे कहते हैं, स्टेज टू पे इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, स्टेज थर्ड पे मैनेजर इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा है, उसका बर्थडे है, ठीक है, इस बंदे का बर्थडे है और इसके पास, अब ये एग्जाम्पल समझोगे तो सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है, आगे की कहानी बहुत आसान हो जाएगी। इसके पास 1000 रुपए है, कितने हैं, केवल 1000 रुपए हैं। इसको इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है और वो उसके दोस्तों के पास गया और उसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है। उसके सारे दोस्तों ने उसको विश करा, जैसे आज की सब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए जाते हैं, फेसबुक पे शेयर किया जाता है, वॉल पे पोस्ट किया जाता है, वो सब हुआ। तो दोस्तों ने कहा पार्टी वार्टी तो देनी पड़ेगी, तब 1000 रुपए के थे इसके पास पर इसने दोस्तों से पूछा कि भैया क्या बताइए आपको क्या क्या चाहिए पार्टी में। तो इसने कहा कि मुझे दोस्तों को पार्टी में, दोस्तों ने डिमांड रखी कि मूवी देखनी है, पहली डिमांड आई मूवी देखनी है, दूसरी डिमांड आई कि लंच करना है और तीसरी डिमांड आई कि कहीं विजिट पे जाना है। तीन डिमांड दोस्तों की आती है, दोस्तों का ग्रुप है 50 मेंबर्स का और वो कह रहा है मूवी देखनी है, लंच करना है और विजिट पे भी यानी कि बाहर आउटिंग पे भी जाना है। अब ये अपना बजट देखता है बंदा और सोच में पड़ता है कि इसके पास तो केवल 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए में सारी चीजें फुलफिल कैसे होगी। फिर ये थोड़ा सा दिमाग लगाता है, क्या करता है, Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन ले लेता है, घर की स्मार्ट टीवी की बात करता है। तो स्मार्ट टीवी पे Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी इसके पास वहीं पे मूवी दिखा देता है। लंच करवाना था तो घर पे ही खाने की व्यवस्था कर देता है, कुक बुला लेता है और घर पे ही खाने की व्यवस्था कर देता है, घर पे ही लंच करवा देता है, विजिट के लिए पब्लिक पार्क में ले जाता है, यानी कि 50 मेंबर्स का इसको पार्टी देनी थी, केवल 1000 रुपए थे, लेकिन उसने उसके जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, जैसे कि मूवी दिखाने के लिए वो थिएटर में जाके घर पे ही उसने अमेज़न प्राइम या किसी नेटफ्लिक्स के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेकर मूवी दिखा दी, उसके बाद लंच उसने घर पे ही करा दिया, विजिट के लिए वो पब्लिक पार्क ले गया, तो यहां पर उसके 100 रुपीज फिर भी बच गए। कितने बच गए, 100 रुपए फिर भी बच गए, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया और उसके बाद 100 रुपए फिर भी बच गए, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 900 रुपीज। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बंदा था उसकी जो नीड्स थी, वो थी अनलिमिटेड। हर इंसान की नीड्स जो होती है
वो अनलिमिटेड होती है, बराबर बात है, मीन्स कि अनंत नीड्स जो है वो अनंत है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिट में होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा लिमिट में होते हैं। रिसोर्सेज क्या है, लिमिट में है, पर नीड क्या है, अनलिमिटेड है, और दोनों के बीच में क्या लाना, इक्वलाइजेशन लाना, और कैसा लाना कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव किया जा सके। नीड्स हर इंसान की बहुत सारी होती लेकिन रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। टाइम का हमारा रिसोर्सेज होता है, कैश यानी मनी का हमारे पास एक रिसोर्सेज होता है जिसको सामान्य भाषा में कैपिटल का रिसोर्स बोला जाता है, लेबर का रिसोर्स होता है। तीन मेन आपको याद रखने हैं, टाइम, कैपिटल और लेबर, इसके ही सारी आगे अपन बात करेंगे। तो ये दोनों रिसोर्सेज में आपने ये देखा कि हमारे पास नीड्स जो है वो बहुत सारी है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो 1 करोड़ का व्यापार करे, 100 करोड़ का व्यापार करे, दुनिया की नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कैपिटल कम है, लेबर कम है, समय तो सबके पास एक समान 24 घंटे का रहता है। तो नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिट में है, और इन दोनों के बीच में इक्वलाइजेशन लाना। जैसे इस बंदे ने 1000 रुपए के रिसोर्सेज में ये 3 इसकी नीड्स इसकी फुलफिल करी, इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहा जाता है, यानी नीड्स और रिसोर्सेज के बीच में इक्वलाइजेशन लाना, और वो भी कैसा कि मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव किया जा सके। मैक्सिमम हम यहाँ कस्टमर वर्ड भी छोड़ देते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव किया जा सके, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। या यही तो आप जीवन भर करते आए हैं, आपके घर से कुछ पॉकेट मनी आती थी 4000, 5000, 10000, 8000, 7000, 3000, 2000, और उसी में ही पूरा महीना आपको चेक करना होता था, पूरा महीना चलाना होता था। आपके पास नीड्स तो बहुत सारी थी लेकिन रिसोर्सेज में अमाउंट कम रहता था, उन दोनों में बीच में इक्वलाइजेशन लाना मीन्स के उसी को मैनेज करना इकोनॉमी कहलाता है। कितना सिंपल है। और इसी इकोनॉमी की स्टडी को, इसी इकोनॉमी की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी इकोनॉमिक स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई, इकोनॉमी किसे कहते हैं, यानी नीड्स और रिसोर्सेज के बीच में इक्वलाइजेशन लाने को इकोनॉमी कहते हैं, और उसी की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए तीसरा वर्ड अपन यहां पर सीख रहे थे, कौन सा सीख रहे थे, सर मैनेजर इकोनॉमिक्स सीख रहे थे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जो मैनेजमेंट की डेली रूटीन एक्टिविटी है, जो मैनेजमेंट के रिसोर्सेज हैं, और उस मैनेजमेंट के रिसोर्सेज को मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर को अचीव करना ही मैनेजर इकोनॉमिक्स है, और उसकी स्टडी करना, उसको इंप्लीमेंटेशन करना। यहां पर स्टडी और इंप्लीमेंटेशन दोनों वर्ड जब मैनेजर इकोनॉमिक्स में जुड़ जाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के पास जितने रिसोर्सेज हैं और जितनी रीड्स हैं, जितनी नीड्स हैं और जितने रिसोर्सेज हैं, इनमें इक्वलाइजेशन लाना और इसको इंप्लीमेंट करना कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में, इसी को मैनेजर इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज देखिए, यही तो लिख रखी है कि स्कैरसिटी, यानी कि रिसोर्सेज क्या है, आपके पास कम है, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूज ऑफ द रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है कमी होने के बाद इस तरीके से यूज किया जाए कि वो ग्रोथ दे, वेलफेयर दे, ग्रेट वैरायटी दे, और कॉम्प्लेक्स इशू वाइटल कंसर्न यानी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इशू जो भी हम ओवरकम कर पाए, इसी को तो मैनेजर इकोनॉमिक्स बोला गया है। कितना इजी है, अब आएगा तो याद रहेगा ना, एग्जांपल याद रखना हैप्पी बर्थडे वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी कि इकोनॉमी के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल का वो सिद्धांत जिसके ऊपर इकोनॉमी रन होती है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब वो सिद्धांत, वो नियम जिनके ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी रन होती है। अब उसके अंदर 5 बेसिक प्रिंसिपल है, कौन कौन से प्रिंसिपल है सर, 5 बेसिक प्रिंसिपल है, यानी कि ऐसे सिद्धांत जिनके ऊपर इकोनॉमी रन होती है, या कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ अच्छा है, इसमें वैज्ञानिक तो होते नहीं, कुछ फिलोसोफर्स ने, जिनको दर्शन शास्त्री बोलते हैं, उन्होंने कुछ अपने अपने मत दिए कि इकोनॉमी के अंदर ये चीजें होती हैं। जैसे उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, किसी ने कहा मैनेजरियल प्रिंसिपल होते हैं, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी रिटर्न्स होते हैं,
नॉमिनल और रियल प्रिंसिपल होते हैं। अब सर ये प्रिंसिपल्स क्या है डिटेल में इसी वीडियो के एंड में बात करेंगे, सारी अप्रोचेस बात करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी का मतलब आपको केवल इतना लेना है, वो सिद्धांत वो नियमावली जिनके ऊपर इकोनॉमिक्स रन होती है, अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी अलग अलग मेथड दिए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी क्या है, ये व्यवहार संगत है, मींस के ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं आज आपको सिखाऊंगा और आज आप अपने लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, आप सबने पढ़ी होगी, ठीक है, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, लेकिन इसको डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं लाइफ में, नहीं कर पाते। अगर कोई साइंटिस्ट मैथमेटिशियन बनते हैं तभी इंप्लीमेंट होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसे सब्जेक्ट में से है जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसलिए इसको बोला गया है सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी कि सामाजिक सोशल साइंस सब्जेक्ट है। ये साइंटिफिक मेथड पे तो यूज है, मींस के इसके पीछे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन उसके साथ इसमें इंडिविजुअलिटी की भी बात की जाती है, इसमें ग्रुप बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल की भी बात की जाती है, इसके अंदर हमेशा स्केयर ऑफ रिसोर्सेज की भी बात की जाती है, मतलब आर्ट्स भी है और साइंस भी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्ट, लेकिन इसको सोशल साइंस कह के अपन डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें थ्योरीज भी है साइंस की और सोशल यानी सामाजिक यानी कि इंसानों के लिए बना हुआ, सोसाइटी के लिए बना हुआ सब्जेक्ट है, ये इसका बेसिकली स्कोप का पार्ट है। यूजुअली स्कोप और प्रिंसिपल दोनों साथ में एक जोड़ गठजोड़ से आते हैं जब भी एग्जाम में आते हैं। अब अगला दो, वैसे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी होती है, बहुत सारे प्रिंसिपल, किसी ने लार्ज मीडियम स्मॉल इकोनॉमी की बात करी है, कि सब ने अलग अलग मेथड की बात करी, लेकिन एक बात अंदर की बता देता हूं कि इकोनॉमी के टाइप नाम की कोई चीज नहीं होती, इकोनॉमी के टाइप नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इकोनॉमी के टाइप बताइए। तो सर क्यों पूछा जाता है, इकोनॉमी के केवल कैलकुलेशन के मेथड डिफरेंट होते हैं, इकोनॉमी का टाइप नहीं होता, बेसिकली जिस मेथड से आप इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं वो इकोनॉमी का टाइप बोला जाता है, जिस मेथड से हम इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं उस मेथड को हम इकोनॉमी का टाइप बोलते हैं। पहला मेथड है माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा मेथड है मैक्रो इकोनॉमी। अभी अपना कोर्स में इतना ही है तो ज्यादा की चर्चा, अगलों की चर्चा नहीं करेंगे, दूसरे चर्चाएं नहीं करेंगे, केवल माइक्रो और मैक्रो याद करेंगे। एमकॉम में तो बुक है, माइक्रो इकोनॉमी पे ही पूरी बुक है, लेकिन अपने एमबीए बीबीए बीकॉम यूजीसी नेट में केवल टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो हम इसका आंसर राइट अप कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी का मतलब है स्मॉल, क्या मतलब है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या है लार्ज, इतना याद रख लेना, आगे की कहानी हो जाएगी। जब हम स्मॉल लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं, एक हाउस होल्ड यानी एक गृह स्वामी के लेवल पे किसी की इकोनॉमी का कैलकुलेशन करते हैं, यानी उसके नीड्स और रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो माइक्रो लेवल इकोनॉमी कहलाती है। जब हम यही लार्ज लेवल पे यानी कि एक स्टेट, एक नेशन या एक कॉन्टिनेंट के ऊपर इकोनॉमी का कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। माइक्रो इकोनॉमी स्टडी हाउ इंडिविजुअल बिहेव, और मैक्रो इकोनॉमी क्या है होल यानी कि समग्र रूप से, होल यानी समग्र रूप से जब हम किसी का एनालिसिस करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी, और जब स्मॉल लेवल पे एनालिसिस होता है तो माइक्रो इकोनॉमी। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है तो एक लाइक तो कर दो, मेरे को भी तो लगे, कुछ कमेंट तो कर दो, सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा इंप्रूव करूंगा, आ रहा है तो उसी कंटिन्यूटी में आगे रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिविजन चल रहा है इसलिए अपन सारी चीजें शॉर्ट में और कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं कवर अप करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगला है मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड इट्स रिलेवेंस इन द बिजनेस। अब मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है सर, मैनेजर इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने अभी बताया कि मैनेजर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन है, उसके रिसोर्सेज हैं, उसका मैक्सिमम वे के अंदर यूटिलाइजेशन करना। तो अगर ये यूटिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजर इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट डिसीजन क्या हेल्प करती है, भाई हमको पता है कि किस तरीके से उसका यूटिलाइज किया जाए, एनालिटिकल स्किल में हेल्प करती है, डेवलपिंग द टेक्निक्स ऑफ द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इशू, सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर एडवांस प्लानिंग, इन सब के अंदर मैनेजर इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है, वैसे तो ये आगे वाले लेटर में अपन सीखने वाले हैं क्लास में, लेकिन अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कि मैनेजर इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है। एक होता है वर्ड कॉस्ट ऑफ
रिटर्न, जिसको हम दूसरी भाषा में ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? मान लेते हैं एक एक्स ने 10,000 रुपए से कोई व्यापार शुरू किया और हर साल उसको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2,000 रुपए का। तो अब मुझे ये बताइए, एक साल में 2,000 का प्रॉफिट होता है तो कितने सालों में उसका प्रॉफिट रिकवर होगा? जी हाँ, 5 सालों में उसका प्रॉफिट रिकवर होगा, क्योंकि एक साल में 2,000 कमा रहा है तो 5 साल में 10,000 कमाएगा, तो 5 सालों में इसका आएगा ब्रेक इवन पॉइंट और 6ठे साल में प्रॉफिट बनाना शुरू करेगा। तो मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि ये ए बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो 5 साल में ब्रेक इवन आ रहा है, बी बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो 3 साल में ब्रेक इवन आ रहा है, तीसरे बिजनेस में 2 साल में आ रहा है, तो मुझे मेरा अमाउंट कहां पर इन्वेस्ट करना है? 5 साल में इन्वेस्ट करना है या दूसरे ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है? FDRD पे क्या रिटर्न है? यानी कि यहाँ पर रिटर्न कितना मिल रहा है इसको? 20% रिटर्न मिल रहा है। क्या 20% रिटर्न निकालने आया? 5 साल में आपको रिटर्न मिल रहा है तो 2000, तो यहाँ पर आपका 20% रिटर्न हो गया। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, अगला वर्ड बनता है फंडामेंटल। अब इसके 5 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमी के। कौन कौन से हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैनेजरियल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न्स, प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटरी रिटर्न्स, नॉमिनल एंड रियल प्रिंसिपल्स। वापिस से कह रहा हूं, 5 बेसिक प्रिंसिपल है, फिर से आया है कि फंडामेंटल्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैनेजर प्रिंसिपल्स क्या है, गिरते हुए रिटर्न, डाइमेंशनिंग रेट ऑफ रिटर्न वो क्या है, ये सारी की सारी अपन इसके अंदर सीखने वाले हैं। अभी केवल अपन को पॉइंट्स ही याद रखना है कि 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे अपनी इकोनॉमी चलती है। तो आइए इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब यहां पर मैं डिटेल के अंदर सारे प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला प्रिंसिपल है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। अब ये इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल क्या है, पहले इसकी बुकिश नॉलेज देखते हैं। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल स्टेट दैट द डिसीजन इज अ प्रॉफिटेबल इफ रेवेन्यू इंक्रीज मोर देन द कॉस्ट, इफ द कॉस्ट रिड्यूस मोर देन द रेवेन्यू, इफ द इंक्रीज ऑफ द सम रेवेन्यू इन द मोर देन द डिक्रीज इन द अदर, इफ द डिक्रीज इन द सम कॉस्ट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन द अदर। अब इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल यह कहता है कि हमारी जो कॉस्ट बढ़े, कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, महंगाई बढ़ रही है इसलिए कॉस्ट तो हर साल बढ़ेगी ही, लेकिन आपका जो रेवेन्यू बढ़े वो उससे ज्यादा बढ़े। क्या कह रहा है? जितनी कॉस्ट बढ़े, मान लीजिए कॉस्ट आपकी 3 रुपीज बढ़ी तो रेवेन्यू उससे ज्यादा 10 रुपए बढ़ता है, तो वो डिसीजन लेना फायदेमंद है। गेटिंग माई पॉइंट? अभी भी नहीं आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल ये कह रहा है कि लास्ट ईयर हमारी कॉस्ट 10 रुपए थी, इस साल हमारी कॉस्ट 13 रुपए हो गई, यानी 3 रुपए हमारी कॉस्ट बढ़ गई। लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू था वो 15 रुपए था, इस साल हमारा रेवेन्यू 25 रुपए हुआ, यानी हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा? 10 रुपए बढ़ा। तो जितनी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है उससे ज्यादा अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो हमको बिजनेस करना प्रॉफिटेबल है। या अदर ऑप्शन में, इसका सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है कि जितनी हमारी कॉस्ट कम हो रही है, जितनी हमारी कॉस्ट कम हो रही है, 10 की जगह मान लीजिए 8 रुपए ही हो रही है, कॉस्ट जो है 2 रुपए का अंतर आ रहा है, 2 रुपए कम हो रही है, तो हमारा रेवेन्यू उतना डिक्रीज ना हो, यानी पहले 15 का हो रहा था तो अब 14 का हो जाए, तो हमारा डिसीजन प्रॉफिटेबल है। कॉस्ट जितनी कम हो रही है रेवेन्यू उस शेयर में कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट जितनी बढ़ रही है उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, यही तो हमारा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल स्टेट दैट डिसीजन प्रॉफिटेबल, जब हमारा डिसीजन प्रॉफिट में कब आएगा? जब रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा कॉस्ट से ज्यादा, या कॉस्ट रिड्यूस होगी मोर देन अवर रेवेन्यू। यहाँ पे देखा था, वहां 2 रुपए गिरा था, यहाँ 1 रुपए गिरा है। आई होप क्लियर है, केवल इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लंबी लड़ाई है। मार्जिनल प्रिंसिपल, अच्छा मैंने मैनेजरियल प्रिंसिपल पढ़ा था, ये मार्जिनल प्रिंसिपल की बात कर रहा है इसके अंदर। अब मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल प्रिंसिपल
क्या होता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से, एक वेरिएबल के चेंज होने से हमारी कॉस्ट में कितना इंपैक्ट आता है, वो मार्जिनल प्रिंसिपल कहलाता है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के वेरियस टेक्निक्स है। पहला तो हम ये चेक कर रहे हैं इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, कहीं साहब इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है। दूसरा मार्जिनल प्रिंसिपल। अब इसके लिए अपन को तो एग्जाम्पल देखना होगा। एग्जाम्पल क्या देखना होगा, मैं यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट और यहां पर लिख देता हूं एक वेरिएबल एक्स, ठीक है। कॉस्ट है हमारी 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए और यहां पर कितना कॉस्ट है 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए और 16 रुपए। अब वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ओवरहेड की कॉस्ट यहां पर अपन लिख देते हैं 2 रुपए, 20 रुपए, 10, 20, 10, 3 और nil। अब देखते हैं कि मार्जिन कैसे निकाला जाता है। मार्जिन कैसे निकाला जाता है, पहले तो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट आ गए भैया 22 टोटल कॉस्ट आ गई है हमारी 22, यहां पर आ गई है 17, यहां पर आ गई है 16। अब मार्जिन क्या होता है कि जब हम कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस वेरिएबल में जो डिफरेंस होता है, यहां पर ये जो डिफरेंस है 30 माइनस 22 कितना है 8 का डिफरेंस है, 22 माइनस 17 कितना है 5 का डिफरेंस है, 17 माइनस 16 कितना है 1 का डिफरेंस है। तो ये जो 1, 5, 8 है इन्हीं को तो दोस्तों मार्जिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है, यानी कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल ऑप्ट करने पे जो हमको कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी या कॉस्ट कम हो गई उसी को तो मार्जिन बोलते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। मान लेते हैं अब यहां पर मैं कॉलम केवल एक ही लेता हूं, कॉस्ट 10, 15, 18 और 20, ठीक, 10, 15, 18 और 20। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर यूनिट प्रोडक्शन कर देते हैं कि यहां पर एक यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, 2 का हो रहा है, अब 3 का हो रहा है, यहां पे 4 का हो रहा है। तो देखिए, जब मैं एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था तो मेरे को 10 रुपए का लग रहे थे पर यूनिट कॉस्ट, इतनी आ रही थी। 2 का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 5 रुपए। जब 3 का कॉस्ट कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 3 रुपए और जब 4th का कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 2 रुपए। और आप ये भी देखेंगे मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली गई, ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये मार्जिन है, पर यूनिट कॉस्ट है। यहां पर 7.5 आएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 5 आएगा। आई होप आपको ये निकालना आ गया। 10 डिवाइड बाय 1, 15 डिवाइड बाय 2, 18 डिवाइड बाय 3, 20 डिवाइड बाय 4, तो ये 5। अब ये छोटे से एग्जांपल से हमने देखा कि जब हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसके ऊपर देखो ये कम होता जा रहा है। यानी कि पर जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होती चली जाएगी, यानी वो डिसीजन जो है वो फायदेमंद है। यदि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, अगर यहां पर कुछ उल्टा हो जाता, 2 की जगह यहां पर 18 हो जाता और वापस यहां पर 20 हो जाता, यानी मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएशन हो जाता, तो हमारा वो डिसीजन फ्रूटफुल नहीं रहता। आई होप मार्जिनल डिसीजन समझ में आया, मार्जिनल प्रिंसिपल आपको समझ में आया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब अपन जाते हैं तो जो डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड होता है उसको मार्जिनल प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीए में तो मैंने कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार देखा है। 10 बार मतलब कि 10 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, और कम से कम ये हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। केस स्टडी भी इससे आ जाती है। अगर केस स्टडी आपके सिलेबस में है तो केस स्टडी एमबीए वालों के लिए तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में भी आने वाला क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अब थ्योरी क्या कह रही है कि मे स्टेट द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन एनी डिसीजन कंसिस्ट विद द सैक्रिफाइस ऑफ अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड बाय द डिसीजन, इफ देयर आर नो सैक्रिफाइस देयर इज नो कॉस्ट, दिस इज अ मैक्रो सेंस। या किस सेंस में है, मैक्रो सेंस में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मोर गन्स इन अ इकोनॉमी इज लेस बटर। अब सर ये बात तो बुकिश हो गई, असली मुद्दा क्या है ये भी समझा देते हैं। तो वापस से अपन बिना एग्जांपल के तो समझाते नहीं है।
एक किसान है और यही एग्जाम्पल आपकी बुक में मिलेगा, यही एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है और यही आप पढ़ रहे हैं, बुक में चेंज भी नहीं हुआ है। एक किसान है, इसका नाम ले लेते हैं मिस्टर ए। ये किसान है, इसके पास एक खेत है, इसके पास एक बीघा खेत है। एक बीघा खेत में क्रॉपिंग कर सकता है, क्या कर सकता है, खेती कर सकता है ये। अब इस किसान एक बीघा खेत में खेती कर सकता है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये राइस उगाएगा या चावल, या इसमें कह सकते हैं कि वीट उगाएगा यानी कि गेहूं। तो या तो ये राइस उगाएगा या गेहूं उगाएगा। अगर राइस उगाता है तो इसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, कितने का, 2 लाख रुपए का। और अगर ये गेहूं उगाता है तो इसको 1 लाख का प्रॉफिट होता है। और इसकी जगह अगर ये इसमें एप्पल लगाता है, एप्पल का पेड़ लगाता है, तो इसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसको 50,000 का प्रॉफिट होगा। तीनों ही सेंस में हमने देखा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है। एक किसान है, उसके पास एक ही खेत है, और एक खेत पे या तो वो चावल लगा सकता है या गेहूं लगा सकता है या एप्पल उगा सकता है। तो अब आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो सभी एक दोस्त वहीं से कहेंगे कि सर हमें तो चावल उगाने चाहिए क्योंकि चावल पे प्रॉफिट ज्यादा है। तो आप जैसे ही चावल ऑप्शन चूज करते हो, आप गेहूं और एप्पल नहीं उगा सकते। उनमें से भी जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो गेहूं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट, उसका प्रॉफिट और ज्यादा है। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कौन सी, जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपने सेक्रीफाइस करा है, फिर से रिपीट करना, जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपने सेक्रीफाइस करा है वही तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कहां परेशानी आ रही है, इतना एग्जांपल बुक के अंदर लंबा चौड़ा 2 पेज का एग्जांपल लिख रखा है। सीधी सीधी एक बात है कि जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल भी अपनी बात कहता है। ये कहता है कि एनी डिसीजन इफेक्ट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि हर डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है। दोस कॉस्ट एंड रेवेन्यू मस्ट बी डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट वैल्यू बिफोर वैल्यू कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव इज पॉसिबल। इट इज एसेंशियल बिकॉज अ रूपी वर्थ मनी इज फ्यूचर डेट इज नॉट वर्थ रुपीज टूडे। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ये ना सोचें कि आपको 5 साल बाद कितना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, आप ये सोचें कि 5 ईयर्स बाद आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, जबकि करंट रुपीस की वैल्यू के अनुसार कैलकुलेट करें। जैसे कि आपने सबसे सुना होगा, अरे हमारे जमाने में तो 3 रुपए किलो घी मिल जाता था, आज 550, 600, 800 रुपए 1500 तक पहुंच गए। अलग अलग घी के अलग अलग रेट चल रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर का कोई भी डिसीजन फ्यूचर के अमाउंट को ध्यान में न रख के बाकी करंट रुपीज वैल्यू को ध्यान में रखा जाए कि आज के 5,000 फ्यूचर के कितने हैं, क्या वो 3,500 हैं, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम ही होती है ऐसा हम मानते हैं लॉन्ग टर्म में। इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है, तो साथ की चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। आज महंगाई 6% है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कराया, अगले साल 1 लाख रुपए निकाल के ला रहे हो, आपको लगता है 1 लाख है, लेकिन उस 1 लाख रुपए की परचेसिंग पावर कम हो गई, 6% से कम हो गई। इसी को तो महंगाई दर बोला जाता है, महंगाई 6% से बढ़ गई। तो ये आप जब कोई डिसीजन ले तब ये ना सोचे कि आज उसकी वैल्यू क्या है, ये सोचे कि फ्यूचर में उस रुपीज की वैल्यू क्या होने वाली है। यही डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है, यानी कि उसकी फ्यूचर डेट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ना कि प्रेजेंट डेट की। फॉर्मूला रहता है, कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे, अभी तो केवल बेसिक मीनिंग समझाया है। अब ये टाइम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, अभी तक डिस्काउंटिंग पढ़ा था, उसी का ही दूसरा नाम टाइम प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। डिस्काउंटिंग वैल्यू में अपन ने देखा था कि कैसे अपन उस चीज को डिस्काउंट कर रहे थे। अब ये टाइम प्रेजेंट वैल्यू के अंदर अपन क्या करते हैं, टाइम प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट स्टेट दैट द डिसीजन मेकर मस्ट गिव ड्यू कंसीडरेशन बोथ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इफेक्ट हिज डिसीजन ही मस्ट गिव हिज ड्यू एम्फेसिस इन द वेरियस टाइम पीरियड। टाइम पर्सपेक्टिव प्रेफरेंशियल डायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट्स टुवर्ड द पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। आपने डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में केवल फ्यूचर रन देखा था,
टाइम पर्सपेक्टिव में शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग रन तीनों देखे जाते हैं। दोनों के अंदर एक बात कॉमन की गई है, जो रुपए की वैल्यू है इसको हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है कि 2040 में, 2040 2030 साल में आज जो 1,00,000 रुपए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। तो वो टाइम प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो, डिस्काउंटिंग वैल्यू भी कह सकते हो। अब क्या डिफरेंस है टाइम प्रेजेंट वैल्यू जो है और इसमें, ये मार्शल साहब ने दी थी, है ना, पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा कि डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल केवल लॉन्ग रन में इफेक्टिव होता है, जबकि टाइम प्रेजेंट वैल्यू शॉर्ट मीडियम में भी अपन इसको कंसीडर करते हैं। इतना सा ही इसमें सारे प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब अगला प्रिंसिपल आ गया है हमारा इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है। अब यह इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि वैसे तो हमारी टोटल यूटिलिटी, अच्छा वीडियो लंबा हो गया है, दो वीडियो अपलोड किए जाएं, ठीक है। बच्चों की ऑन डिमांड के कारण मैनेजर इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो भी अपन इसके साथ में ही अटैच कर देता हूं मैं, पार्ट टू के अंदर मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग यहां तक, ठीक है, थैंक यू।